हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ स्वीडन और डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यूनान, रोम, जर्मनी के इतिहास के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आज बात करते हैं स्वीडन और डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का क्या इतिहास था। तो पहले बात करते हैं स्वीडन में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। दोस्तों, स्वीडन की व्यायाम प्रणाली ने किसी अन्य प्रणाली का अनुकरण नहीं किया, यानी दूसरे प्रणाली के जिम्नास्टिक या शारीरिक शिक्षा के जो नियम कानून थे उसको अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपना खुद का प्रणाली एक नया रूप प्रसारित किया और इसके प्रणाली को दूसरे लोग लागू किए। जैसे जर्मनी ने बहुत कुछ स्वीडन की व्यायाम प्रणाली से सीखा। तो दोस्तों, स्वीडन की व्यायाम प्रणाली में दो लोगों का बहुत ही जिक्र होता है, पर हेनरिक लिंग और जालमर लिंग का। तो हम पहले बात करते हैं पर हेनरिक लिंग क्या क्या योगदान दिए हैं शारीरिक शिक्षा में, ठीक ना, स्वीडन में। तो इनका काल है 1776 से 1839 ईस्वी। दोस्तों, इनका जीवन गाथा ही स्वीडन में जिम्नास्टिक की आत्मकथा है। तो स्वीडन में व्यायाम को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति पर हेनरिक लिंग थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्वीडन में व्यायाम को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो पर हेनरिक लिंग थे, ठीक। और एक मतलब कहीं गए थे तो वहाँ 1804 में जब वापस आए तो लुंड विश्वविद्यालय में तलवारबाजी के प्रशिक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई और यहाँ ये 8 वर्ष तक लगातार इस पद पर कार्य करते रहे तलवारबाजी के रूप में। दोस्तों, जर्मन लिंग जर्मन के जिम्नास्टिक से संतुष्ट नहीं थे, ठीक ना, और उन्होंने पेस्टोलॉजी के शारीरिक व्यायाम सिद्धांतों को देखते हुए व्यायाम प्रक्रियाओं को शरीर के संधियों की क्रियाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा है। यानी कि जर्मन लिंग ने पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को 4 वर्गों में विभाजित किया है, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने वर्गों में बांटा है, तो 4 वर्गों में, ठीक। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि कौन सी पुस्तक लिखे थे इनके जो पुस्तक लिखे थे उनका नाम था जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो इनके बुक का नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक, ठीक, इसको याद कर लीजिए। 1814 में स्वीडन सरकार ने इनके विचारों से प्रभावित होकर, यानी इनके विचारों से देखते हुए राजकीय जिम्नास्टिक केंद्रीय संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर सामान्य नागरिकों के शारीरिक स्वास्थ्यता पर बल दिया जाता था तथा सैनिक जिम्नास्टिक के माध्यम से सैनिकों को शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जाता था, ठीक। और इसके बाद हुआ 1864 ईस्वी में राजकीय जिम्नास्टिक केंद्रीय संस्थान के प्रशिक्षण की जो अवधि है 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। तो ये था हमारे पर हेनरिक लिंग के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इनको स्वीडन में व्यायाम को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा है और इनके बुक का नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक। इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं अब जालमर लिंग के बारे में। जालमर लिंग, जिनका काल 1820 से 1886 ईस्वी तक रहा, ये पर हेनरिक लिंग के पुत्र थे, जिन्होंने पिता द्वारा आरंभ की गई व्यायाम की क्रांति को और आगे बढ़ाया। ये स्नातक की डिग्री लेने के पश्चात जालमर ने अपने पिता की जगह संभाली, यानी पिता के जो कार्यभार थे उसको इन्होंने आगे बढ़ाया और 1939 ईस्वी में स्टॉकहोम में पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ मनाई गई। पर हेनरिक लिंग कौन थे? जालमर लिंग के पिता, जो इसके पहले मैं बताई हूँ जिनके बारे में, ठीक, उन्हीं का 1939 ईस्वी में वर्षगांठ मनाई गई, जिसे लिंग यार्ड का नाम दिया गया, यानी ये प्रथम लिंग यार्ड था, ठीक। दोस्तों, ये लिंग यार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये प्रथम लिंग यार्ड और द्वितीय लिंग यार्ड जरूर पूछ लिया जाता है।
पूछेगा प्रथम लिंगयार्ड कब आयोजित हुआ था, तो 1939 में। ठीक, तो 1939 में कहाँ, स्टॉकहोम में, पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ पर मनाई गई थी, जिसे लिंगयार्ड नाम दिया गया, उसे ही प्रथम लिंगयार्ड का नाम दिया। और प्रथम लिंगयार्ड के कार्यक्रम में जिम्नास्टिक व्यायाम की प्रदर्शनी हुई। ठीक, तथा शारीरिक शिक्षा पर विश्व सम्मेलन भी हुआ। इस अवसर पर स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, हंगरी तथा जर्मनी के व्यायाम दलों ने अपने अपने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। मतलब हर देश इसमें, ये सब देश शामिल हुए और अपने अपने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किए। ठीक, और हमारा है द्वितीय लिंगयार्ड। दोस्तों ये दोनों लिंगयार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें जो भी हमें बता रही हूँ पूरा इम्पॉर्टेंट ही बता रही हूँ। तो दूसरा लिंगयार्ड कब था, 1949, जो काफ़ी सफल रहा। ठीक, और जिसने भारतीय व्यायाम दल के रूप में, मतलब इस लिंगयार्ड में जो काफ़ी सफल रहा, इसमें भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायाम शाला प्रसारक मंडल जो अमरावती महाराष्ट्र में है, उसने शारीरिक गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था। यानी द्वितीय लिंगयार्ड में जो हमारा हनुमान व्यायाम शाला प्रसारक मंडल है अमरावती महाराष्ट्र में, उसने इसमें शारीरिक गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस लिंगयार्ड में हनुमान व्यायाम शाला प्रसारक मंडल ने शारीरिक गतिविधियों का सुंदर वर्णन किया था, तो वो होगा द्वितीय लिंगयार्ड में। तो इसमें जो भी है उसको जरूर याद कर लीजिए, प्रथम लिंगयार्ड 1939 ईस्वी और द्वितीय लिंगयार्ड 1949 ईस्वी, और इसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने अपने तरफ से सुंदर सारी गतिविधियों का वर्णन किया था, प्रदर्शन किया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलिए जानते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क, शारीरिक शिक्षा के विकास में डेनमार्क का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। शारीरिक शिक्षा के संबंध में इनका उल्लेख है कि 1814 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार डेनमार्क में शिक्षा को 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, इस काल में फ्रेंच नेशनल का नाम ज़्यादा लिया जाता है, इन्हीं का जिक्र ज़्यादा है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। तो फ्रेंच नेशनल का काल 1774 से 1747 था। दोस्तों डेनमार्क में नेस गेल ही ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव डाली। यानी आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव किसने डाली डेनमार्क में, तो फ्रेंच नेस गाल ने। यानी यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव किसने डाली, तो फ्रेंच नेस गाल, या तो सीधे ऐसे पूछेगा कि डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव किसने डाली, तो फ्रेंच नेसगाल। ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव किसने डाली, तो फ्रेंच नेसगाल। ठीक, और 1799 ईस्वी में कोपेनहेगन में एक निजी खुले व्यायाम कक्ष की स्थापना की। कब, 1799 में। और 1804 ईस्वी में जिम्नास्टिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका निर्देशक जो है इन्हीं को बनाया गया, नेसगाल को बनाया गया। किसकी रचना की, जिम्नास्टिक शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय किया 1804 में। फिर 1828 में नेसगाल ने जिम्नास्टिक पुस्तिका तथा 1834 में माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों ये दो पुस्तक लिखे कौन कौन से, जिम्नास्टिक पुस्तिका 1828 में और जिम्नास्टिक नामक पुस्तक 1834 में। जो जिम्नास्टिक नामक पुस्तक है ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए लिखी गई थी। ठीक ना,
उसके बाद है 1861 ईस्वी में राइफल क्लब की स्थापना हुई। यहाँ पे डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। 1884 में लोक विद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पे एक नील्ज थे जिन्होंने डेनमार्क में जिम्नास्टिक व्यायाम को एक नया मोड़ दिया। नील्ज एक विद्वान थे जिन्होंने डेनमार्क में जिम्नास्टिक जो व्यायाम था उसको एक नया मोड़ दिया। इस व्यक्ति में आलरूप नामक स्थान पर जिम्नास्टिक की विद्यालय की स्थापना की। ठीक, यानी नील्ज ने डेनमार्क में जिम्नास्टिक विद्यालय को एक नया मोड़ दिया और आलरूप नामक स्थान पर जिम्नास्टिक के विद्यालय की स्थापना की। तो ये था हमारा डेनमार्क का इतिहास दोस्तों। आज वर्तमान समय में डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में है। तो मैंने आज बात की स्वीडन और डेनमार्क के इतिहास के बारे में। दोस्तों पहले मैं व्याख्यात्मक मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में व्याख्यात्मक वर्णन कर रही हूँ जिसे आपको एक बार पढ़ने के बाद MCQ क्वेश्चन लगाने में आसानी पड़े। व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन कराने के बाद मैं MCQ क्वेश्चन लाऊंगी जिसे एक बार आप व्याख्यात्मक रूप से पढ़ लेंगे। विस्तार से पढ़ने के बाद आप MCQ लगाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आसानी से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को प्रॉपर बनाए रखिए। दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें जिससे मैं जो भी वीडियो नया अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।